हेलो दोस्तों, टेक्निकल वॉलेट की नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेक के कुछ जो हमारा लेटेस्ट अपडेट जो न्यूज है टेक के ऊपर, तो उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लॉन्च हो चुका है Xiaomi का जो 12 Pro 5G स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में Xiaomi वालों ने यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट किया है जो उसका जो कैमरा क्वालिटी के ऊपर। यहाँ पे आपको रियर में 50-50-50 जो हमारा होता है फ्लैशिंग कैमरा है, उसका सेटअप आपको यहाँ पे रियर में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इस कैमरा का जो सेंसर साइज है वो आपको यहाँ पे 1.28 mm देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको 2.44 mm की जो सुपर 4-in-1 सुपर पिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पे 48 mm का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसका जो फोटोग्राफी फीचर के ऊपर अगर बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रो फोकस मोड, मोशन ट्रैकिंग फोकस, आपका जो आई ट्रैकिंग फोकस, मोशन कैप्चर एंड प्रो नाइट मोड, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे कैमरा फीचर में देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पे रियर की जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 8K की 7680x4320 पिक्सल की आपको यहाँ पे 24fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि बिल्कुल लाजवाब है। इसमें जो कैप्चर होगा, जो वीडियो क्वालिटी, आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसमें आपको जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो 8 Gen 1 का 4 nm बेस पावर एफिशिएंट 3 up to 3 GHz का प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। मतलब इसका जो परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मेमोरी में LPDDR6 का आपको यहाँ पे रैम देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो स्टोरेज होता है वो होता है UFS 3.1 का स्टोरेज एंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो वेरियंट जो स्टार्ट हो जाता है गाइस, आपको यहाँ पे 8 GB रैम 250 GB स्टोरेज तक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आपको 12 GB रैम 250 GB स्टोरेज का वेरियंट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो इसका बेस वेरिएंट 8 GB से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है तो आप गेमिंग तो करोगे ही। ऐसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पे जो गेमिंग के टाइम पे आपको लैग का प्रॉब्लम ना हो और आपका हीटिंग का इशू ना हो, इसी के लिए आपको यहाँ पे लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब इस चीज को ये और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे 120W का जो उसका अडाप्टर जो चार्जर देखने के लिए मिल जाता है फास्ट चार्जिंग। एंड आपको यहाँ पे 4600 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब इतने mAh की बैटरी के लिए इतना वाट का जो चार्जर बहुत ही सफिशियंट है। तो आपको यहाँ पे जो कनेक्टिविटी में 5G कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इसका जो अभी के टाइम पे जो इसका प्राइस है 63,000 की आसपास है। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बात करते हैं हमारा जो इन्फिनिक्स इनबुक H1 स्लिम के बारे में। दोस्तों, इसका जो नाम में ही स्लिम है तो ये लैपटॉप प्रैक्टिकली बहुत ही स्लिम है और इसको इन्फिनिक्स ने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है उसका जो आर्म है वो बिल्कुल लाजवाब है। दोस्तों, अगर दोस्तों इसका जो स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 8 GB रैम एंड 256 GB का SSD का कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो इसका जो चिपसेट है वो है इंटेल का कोर i3 का चिपसेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसका जो OS है विंडोज का जो 11th ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रन करता है। दोस्तों, इसका जो i3 का प्रोसेसर है इंटेल का वो यहाँ पे आपको 10th generation का देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से इसका जो प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी बहुत ही तगड़ी होने वाला है। एंड आपको यहाँ पे 64-bit की ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे DDR4 का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मेमोरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि होता है प्राइस। तो दोस्तों, इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो 30,000 के आसपास है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लग सकते हैं 30,000 के अंदर आपको यहाँ पे बहुत ही तगड़ी लैपटॉप देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करते हैं वीवो की जो X80 जो सिनेमैटिक शॉट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वीवो ने इसका जो कैमरा को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करने के लिए ये किया है। दोस्तों, वीवो की जो X80 कैमरा में जो हमारा करण जौहर ने वो एक मतलब शादी की शॉर्ट फिल्म यहाँ पे बना रहे हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो फंडा है, मतलब इस जो स्मार्टफोन की कैमरा को हाईलाइट करने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं तो एक स्मार्टफोन की कैमरा में एक शॉर्ट फिल्म की शूट करना, इट्स गोना मैर गाइस। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो फोर्थ नंबर पे जो न्यूज आया है वो है, दोस्तों ओप्पो ने यहाँ पे लॉन्च किया है उसका जो एक लॉकी ड्रॉ फैसिलिटी, जिसके मदद से आप इस लॉकी ड्रॉ को विन करके आप यहाँ पे बहुत सारा प्राइज विन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका 1 जुलाई से हमारा जो 13 जुलाई तक ये लॉकी ड्रॉ वैलिड है, इसके अंदर आप इस लॉकी ड्रॉ को खेल सकते हो। तो दोस्तों, आप इसको ओप्पो का जो ऑफिशियल साइट होता है वहाँ पे जाकर आपका जो ईमेल आईडी वगैरह देके आपको यहाँ पे एक ओप्पो आईडी क्रिएट करने के लिए पड़ेगा। ओप्पो आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप
इस जो लॉकी ड्रॉ को आप खेल सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप विन करते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या प्राइज देखने के लिए मिल जाता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज देखने के लिए मिल जाएगा वो है ओप्पो का रेनो 8 प्रो। और आप फर्स्ट प्राइज जीत जाते हो तो आपको मतलब कैसा लगा और आप इस स्मार्टफोन को लेकर क्या करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना गाइस। एंड दोस्तों हमारा जो यहाँ पे सेकंड प्राइस है वो है ओप्पो का एनको एयर 2 प्रो। तो बहुत ही व्यूअर सा नाम है दोस्तों, आप इसको मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउंस करने भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों वो फोन ऐसा नाम रखा है वो शायद वो ही जाने। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे जो थर्ड प्राइस देखने के लिए मिल जाता है वो है ओप्पो का एनको M3 2। मतलब ये एक ब्लूटूथ की बैंड है, इसको आपका जो मोबाइल में कनेक्ट करके गाना सुन सकते हो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। दोस्तों आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर जो प्राइस देखने के लिए मिल जाता है वो है ओप्पो का MH135। एंड आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो प्राइस देखने के लिए मिल जाता है वो है ओप्पो का एक आपको कूपन कोड देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है 500 रुपए का। एंड आपको सिक्स नंबर पे जो प्राइस देखने के लिए मिल जाता है वो है ओप्पो का एक 150 रुपए का एक आपको यहाँ पे कूपन कोड देखने के लिए मिल जाता है, जिसको सिर्फ आप ओप्पो की जो डेविस वगैरह इस सब कुछ वगैरह में बाय करने में कूपन कोड को यूज करके उस प्राइस को आप डिडक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो सिक्स नोट पे जो न्यूज है वो है Asus यहाँ पे लॉन्च करने वाला है उसका जो ROG फोन 6। ओ भाई साहब बहुत ही ओपी लेवल का फोन ये होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे Asus का जो ROG फोन के बारे में उसका जो स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको सब कुछ पता है। मतलब इसमें आपको नेक्स्ट लेवल की चीज देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों ये जो फोन है स्पेशली जो गेमर लोगों के लिए उनके लिए ये फोन डिजाइन किया गया है। ये फोन आपका जो नॉर्मल लोगों के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे मैं कोटेशन दे देता हूँ, ये ओनली गेमर लोगों के लिए ये फोन डिजाइन किया गया है। मतलब इस पे वो गेम खेल के नेक्स्ट लेवल की चीज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इसका जो प्रमोशन किस तरह से किया गया है, 10 मिनट के माध्यम से इसको किस तरह से प्रमोशन किया गया है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको तो मैं आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों ढंग का मैच खेलने के लिए कब तक हम अपनी ग्राफिक सेटिंग्स को लो रखेंगे, आखिर कब तक हम मोबाइल की बैटरी लाइफ के गुलाम बनके रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे सेवेंथ नंबर पे जो न्यूज आया है वो है अभी अभी एप्पल का जो iOS का 16 अपडेट आ चुका है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसका जो iOS 16 का अपडेट को आप इंस्टॉल करने के बाद आपका जो iOS के डेविस में आप यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन की थीम पहले से आप जो कस्टमाइज नहीं कर सकते थे वो आप यहाँ पे iOS के डेविस के जो लॉक स्क्रीन की थीम आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये एप्पल वालों की तरफ से एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। देन हमारे जो 8 नंबर पे जो न्यूज है वो है वन प्लस की लवर लोगों के लिए ये न्यूज है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस की जो नोट सीरीज की वन प्लस नोट 2T 11 आने वाला है जो 5 जुलाई पे ये लॉन्च होने वाला है। दोस्तों अगर आप वन प्लस की डेविस में इंटरेस्टेड हो तो इस स्मार्टफोन को आप वन प्लस का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेटेड टेक न्यूज। तो दोस्तों ऐसे ही मजे मजे टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टेक्निकल वॉलेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू दोस्तों। करो खुद को मैं तू सजा खुद इंसाफ करूं, बड़ा मेरा हौसला हारा हूं मैं जब से आम नहीं खासूं, अलग हूं मैं सबसे, लिखूं बकवास नहीं लिखूं।